नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से ऑलिव बोर्ड में। अ वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। तो चलिए शुरुआत कर रहे हैं आज वापस अपने इस इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के इस सेशन को, जहां पे हम करने जा रहे हैं अपने आरएएस के लिए एग्जाम के लिए कुछ बेहतरीन से क्वेश्चन इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन के। और यहाँ पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन के साथ साथ नए क्वेश्चन को भी समझेंगे, पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे समझेंगे कि हमें क्या क्या चीजों को ध्यान रखना है जब हम पॉलिटी को तैयार करें अपने आरएएस के एग्जाम के लिए, कितनी डेप्थ में चीजों को पढ़ना है और हर एक चीज को हम बेहतरीन तरीके से एनालाइज करते हुए चलेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के सेशन को। तो ये है ऑलिव बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया आपके लिए राजस्थान पटवारी का क्रैश कोर्स, और यहाँ पे आपको 120 प्लस लाइव क्लासेस प्रोवाइड की जाएंगी। और अगर आप इस पे 50% का ऑफ चाहते हैं तो इसके लिए आप सक्सेस कोड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको इंस्टेंट 50% का ऑफ मिल जाएगा इस कोर्स पे। उसी तरीके से ये है ऑली बोर्ड के द्वारा प्रोवाइड किया गया हाई कोर्ट आरओ एआरओ का बैच, सिलेक्शन बैच है, और यहाँ पे भी आप 50% ऑफ पा सकते हैं सक्सेस कोड का इस्तेमाल करने के बाद। सेम उसी तरीके से है ये आपका यूपीपीसीएस आरओ एआरओ का बैच, और यहाँ पे इस बैच को भी आप एनरोल कर सकते हैं ऑली बोर्ड के साथ, और 50% डिस्काउंट पाने के लिए आप सक्सेस कोड का इसमें भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, और ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन आज का, तो इसे पढ़ें और अटेम्प्ट करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे दो लिस्ट दी गई हैं आपको, लिस्ट नंबर वन और लिस्ट नंबर टू, ठीक है। लिस्ट नंबर वन आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड है और लिस्ट नंबर टू जो है हमारी उसमें हमें सोर्सेस दिए गए हैं। और यहाँ पे अगर हम देखें तो क्या क्या दिया गया है, फंडामेंटल राइट, एपीएसपी, कैबिनेट गवर्नमेंट और यूनियन स्टेट रिलेशन, ठीक है। यानी यहाँ पे हमारे क्या है, मौलिक अधिकार, साथ में है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, कैबिनेट गवर्नमेंट, कैबिनेट कैबिनेट ही होता है, और यहाँ पे केंद्र एवं राज्य सरकार के बीच में संबंध, ठीक है। और ये रहा हमारे पास क्वेश्चन जो हमें अटेम्प्ट करना है कि ये सब चीजें कहाँ से ली गई हैं। चलिए तो अब इस तरीके के क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, किस टॉपिक से, किस तरीके से बनते हैं, इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। तो आरएएस प्री में 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो यहाँ पे हम जब कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं तो यहाँ पे टॉपिक है हमारा मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, जिसमें हम मेकिंग के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है, संविधान का निर्माण किस तरह कैसे हुआ। बट उसी तरीके से अगर आप चैप्टर देखें कौन सा हमारा यहाँ पे, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, सेलियंट फीचर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अगर आप देखते हैं, संविधान की मुख्य विशेषताओं को अगर आप देखते हैं, तो उसमें एक विशेषता ये भी है कि हमारे संविधान जो है बहुत सारे देशों के संविधान से कुछ ना कुछ लिया गया है, तो स्रोत, ठीक है। तो भारतीय संविधान के स्रोत देखने होते हैं, सोर्सेस देखने होते हैं कि हमारे संविधान में कहां से क्या क्या लिया गया है। इसीलिए कई बार कहा जाता है कुछ क्रिटिक्स के द्वारा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोड मटेरियल, बैग ऑफ बोरोड मटेरियल। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, बैग है एक बोरोड मटेरियल का। तो अगर आपसे इस तरीके से मेंस में या कहीं पे भी क्वेश्चन पूछा जाए तो आप इस बात को पूरी तरीके से नकार देंगे, ठीक है, क्योंकि ये बिल्कुल भी अच्छे स्टेटमेंट नहीं है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्पेक्टिव में, ठीक है। तो यहाँ पे बात यह है कि यस, हमारे सोर्सेस बहुत ज्यादा हमने इस्तेमाल किए हैं, तो इसके लिए आप अपने बात को इस तरीके से कह सकते हैं कि हमने रेफरेंस के तौर पे नहीं लिया है, ठीक है, रेफरेंस के लिए नहीं लिया है। तो एक बात सोचिए, जब आप कोई थीसिस लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं या फिर कुछ भी नोट्स बनाते हैं अपने, अगर आप अपने नोट्स बनाते हैं तो आप बुक्स का रेफरेंस लेते हैं, ठीक है। तो अगर आप बुक्स का रेफरेंस लेते हैं तो वो आप उसे ये नहीं कह सकते कि इट इज सिंपली कॉपी एंड पेस्टेड, कैसे कह सकते हैं, या फिर आपने इस बुक से बोरो लिया है, ऐसा तो कह ही नहीं सकते ना, क्योंकि आपने उस बुक से क्या किया है, चीजों को पढ़ाया है, जाना है और अपने हिसाब से उसके नोट्स तैयार किए। तो अगर कोई कहता है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बैग ऑफ बोरोड मटेरियल, उधार का थैला है, तो आप इस स्टेटमेंट को पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं। दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं कि अगर हम किसी से कोई चीज बोरो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, ठीक है, तो उधार ली जो चीज होती है उसे लौटाना भी तो पड़ता है, वापस भी करना पड़ता है, ठीक है।
तो क्या कुछ ऐसा है जो हम वापस किसी को दे रहे हैं? तो अच्छा, हमने किसी से कुछ लिया, किसी से फेडरलिज्म लिया, तो उसे हम साथ साथ में फेडरलिज्म के साथ साथ डेमोक्रेसी दे रहे हैं, या कुछ और दे रहे हैं? ऐसा तो कुछ नहीं है कि हमने सूत और ब्याज लगा के दे रहे हैं। तो ये वर्ड जो है, ये बिल्कुल तरीके से गलत तरीके से इस्तेमाल किया गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के प्रस्पेक्टिव में क्रिटिक्स के द्वारा, और इसे आप पूरी तरीके से खारिज कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि तो हमें क्या ध्यान रखना है कि कहाँ से क्या क्या लिया गया है। तो फंडामेंटल राइट कहाँ से लिए गए हैं, इतना आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि फंडामेंटल राइट यूएसए का जो बिल ऑफ राइट्स है, यहाँ से लिया गया था। ठीक है, डीपीएसपी जो है हमारे कहाँ से लिए गए हैं, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से लिए गए, इतना तो सबको ध्यान रखता है। ठीक है, ये तो बहुत बेसिक बात है। चलिए, कैबिनेट गवर्नमेंट यूनियन स्टेट रिलेशन, ये दिमाग से उतर भी जाए तो पहले इन दोनों ऑप्शन से हमेशा सॉल्व करने की कोशिश कीजिए जिसपे आप 100% श्योर है। ठीक है, प्रीलिम्स में आपको अपने 100% नॉलेज को नहीं दिखाना कि नहीं मुझे तो ये चारों ही पता होने चाहिए, आपको कोशिश ये करनी है कि आप आंसर सही पकड़ पाए। तो देखते हैं ए का तीन, तो यहाँ पे सॉरी ए का चार, तो ए का चार यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये पूरे के पूरे ए बी सी सब में ही चार दिया हुआ है। ठीक है, कोई बात नहीं, इससे हम कुछ नहीं कर सकते हो। और यहाँ पे बी का तीन, तो बी का तीन अगर देखें तो यहाँ पे और यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, तो या तो ए ऑप्शन होगा या तो आपका डी ऑप्शन होगा, इन्हीं दोनों में से ऑप्शन होगा, और कोई ऑप्शन बन नहीं सकता। तो कम से कम हम 50-50 पे आ गए, तो अब हमारे पास ऑप्शन बचा है सी और डी में से किसी एक को चुनना। तो यहाँ पे यूनियन स्टेट रिलेशन और कैबिनेट गवर्नमेंट, तो कैबिनेट गवर्नमेंट हमें मालूम है कहाँ के ज्यादा क्लोज होगी, थोड़ा सा भी आप सोचेंगे तो ब्रिटिश, क्योंकि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो हमारा मैक्सिमम इसी से क्लोज है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसी से क्लोज है। और यूनियन स्टेट रिलेशंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें मालूम है ये कनाडा जैसा है, क्योंकि कनाडा में भी यूनियन फॉलो होता है और इंडिया में भी यूनियन फॉलो होता है, दोनों जगह यूनियन यूनियन फॉलो होता है। तो रिलेशंस देखा जाए तो हमारा इस तरीके से होगा, तो सी का वन हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे हमारा डी करेक्ट आंसर हमें निकल जाएगा, और जिसपे हम काफी ज्यादा श्योर भी होंगे। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा डी। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीजें हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, एमरजेंसी प्रोविजंस कहाँ से लिए गए, वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट कहाँ से ली गई है, ज्वाइंट सिटिंग के प्रोविजन कहाँ से लिए गए हैं, कॉन्करेंट लिस्ट कहाँ से ली गई है, राज्यसभा के मेंबर्स कहाँ से लिए गए हैं उनके इलेक्शन को, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेसिडेंट कहाँ से लिया गया है। ठीक है, तो ये ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो आपको अच्छे से ध्यान रखनी है, ये कहाँ कहाँ से सोर्सेस लिए गए हैं। तो इन सारे सोर्सेस को हम देख रहे हैं और ये सोर्सेस आपको ध्यान रखने हैं। तो सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ध्यान रखिएगा, यहाँ पे ये कहा जाता है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि सबसे ज्यादा मैक्सिमम इन्फ्लुएंस या सबसे ज्यादा असर भारतीय संविधान पे किसका रहा है, तो इसी कानून का रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का ही सबसे ज्यादा असर रहा है भारतीय संविधान के ऊपर। और कई बार तो यहाँ तक कहा गया ब्रिटिश के द्वारा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो देखते हैं यहाँ से क्या क्या ली गई है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, एमरजेंसी प्रोविजंस, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल, तो ये कुछ चीजें यहाँ से ली गई थी। बट इसके ऊपर इतना ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन नीचे से आपको बनते देखने को मिलेंगे। जैसे ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो क्या लिया गया है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट संसदीय सरकार, रूल ऑफ लॉ कानून का शासन, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर विधि प्रक्रिया, सिंगल सिटीजनशिप एकल नागरिकता, कैबिनेट सिस्टम, ठीक है, प्रोग्रेटिव रिट, रिट जो है यहाँ से ली गई है, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ठीक है, विशेष अधिकार आर्टिकल 105 के अंदर, बायकैमरलिज्म, तो द्विसदनीय व्यवस्था लोकसभा और राज्यसभा जो होती है इसी को कहते हैं हम द्विसदनीय व्यवस्था, ठीक है, बायकैमरलिज्म, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा के कॉन्सेप्ट को यहीं से लिया गया है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पे अभी यूएस के प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट भी हुआ था, तो भारत में भी इम्पीचमेंट का प्रोसेस यहीं से लिया गया है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस वेरी इंपॉर्टेंट, और साथ में लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। तो पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट जो है ये लिया गया है, दोनों की शक्तियां जो हैं हमारे यहाँ और इनके वाइस प्रेसिडेंट के बीच में शक्तियां अलग हैं। यूएस में अगर किसी भी तरीके से प्रेसिडेंट हट जाते हैं
और वाइस प्रेसिडेंट अगर प्रेसिडेंट के कार्यभार को संभालते हैं, ठीक है, तो वो जो बचा हुआ समय था उस पूरे समय के लिए प्रेसिडेंट ही बन जाते हैं। बट इंडिया में ऐसा कुछ नहीं है, इंडिया में आपको 6 महीने के अंदर जल्दी से जल्दी इलेक्शन करा के प्रेसिडेंट के पद पे एक चुने हुए प्रेसिडेंट को लाना होगा। नेक्स्ट आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहां से ली गई है टीपीएसपी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। तो ध्यान रखना मेथड ऑफ इलेक्शन जो है वो यहां से लिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, वो लिया गया है फेडरेशन विद स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। फिर उसके बाद रेसिडुअरी पावर टू द सेंटर, तो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास होंगी, केंद्र सरकार के पास। तो रेसिडुअरी पावर्स क्या हमें मालूम है, यूनियन लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट होती है, और अगर इन तीनों लिस्ट में कोई विषय नहीं आता मैटर तो वो जाता है रेसिडुअरी लिस्ट में, और इसके ऊपर कानून बनाने का अधिकार किसके पास है, संसद के पास कानून बनाने का अधिकार। अपॉइंटमेंट ऑफ स्टेट गवर्नर बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट की, इसमें सुप्रीम कोर्ट से क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति एडवाइस ले सकते हैं, एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ। ये कुछ सोर्सेज हैं, और उसके बाद यहाँ पे भी है, जैसे ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन, यहाँ से लिया गया है कॉन्करेंट लिस्ट, समवर्ती सूची, बहुत इंपॉर्टेंट है। फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, ज्वाइंट सिटिंग, संयुक्त अधिवेशन, बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट जर्मनी के संविधान से क्या लिया है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट ड्यूरिंग एमरजेंसी। और उसके बाद रशिया से फंडामेंटल ड्यूटीज ली गई हैं, और संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें जो हमारे जस्टिस का आइडिया है, न्याय का आइडिया है, सोशो इकोनॉमिकल पॉलिटिकल जस्टिस की जो बात की गई है प्रस्तावना में, वो यहाँ से ली गई है। लास्ट में बात करते हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, बचा हुआ रिपब्लिक का आइडिया, लिबर्टी का आइडिया, इक्वालिटी का आइडिया, फ्रेटर्निटी का आइडिया। तो ये जो आइडिया है प्रीएम्बल में, प्रस्तावना में, वो लिए गए हैं फ्रेंच कॉन्स्टिट्यूशन से। आगे बात करते हैं साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से क्या लिया गया है, अमेंडमेंट प्रोसीजर, कि किस तरीके से संविधान में अमेंडमेंट होगा, ठीक है, और इलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के मेंबर्स का इलेक्शन कैसे होगा। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ, ये कहां से लिया गया है, ये लिया गया है जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से, कहां से, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया है। तो ये सारी चीजें हैं जो हमारे संविधान में अलग अलग संविधानों से दी गई हैं, मतलब इनका रेफरेंस लिया गया है, रेफरेंस के तौर पर इन्हें इस्तेमाल किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में, तो इसे आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना। नेक्स्ट ऐसा एक क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, हम लोग लगातार हर एक तरीके के क्वेश्चन को फोकस कर रहे हैं, और ये यूपीएससी ने भी ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कि कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, वो कौन थे, वो अलग बात है, उन्होंने स्टेटमेंट के फॉर्म में पूछा, तो इम्पोर्टेंट ये बन जाता है, इम्पोर्टेंट है भी। तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, ये आपको बताना है, कौन थे संवैधानिक सलाहकार, कौन थे संविधान सभा के, तो संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे, बी एन राव थे, कौन थे, बी एन राव। तो हमें मालूम है जो सेकंड मीटिंग हुई थी 11 दिसंबर 1946 को, ठीक है, इस तारीख को क्या किया गया था, राजेंद्र प्रसाद जी को क्या बना दिया गया था, प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त किया गया था संविधान सभा का, एच सी मुखर्जी जी को वाइस प्रेसिडेंट के तौर पे नियुक्त किया गया था, और बी एन राव जी को क्या बनाया गया था, आपका संवैधानिक सलाहकार बनाया गया था। तो इसी तारीख को ये सारे काम हुए थे। नेक्स्ट अगला आ रहा है यहाँ पे कि पंचायतों को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जो है, ठीक है, संवैधानिक दर्जा किस अनुच्छेद के अंदर मिला हुआ है, 226, 243, 239 या 290। तो आर एस प्री ने 2007 में ये क्वेश्चन पूछा, ध्यान रखना है कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी मेन आर्टिकल हैं वो आपको सीधा सीधा ध्यान रखने होते हैं, उनमें से क्वेश्चंस पक्का आते हैं। तो कौन सा आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 226 या 243, तो इट इज 243, ठीक है, कौन सा है, 243 आर्टिकल नंबर जो है वो हमारा इससे रिलेटेड है। चलिए तो यहाँ पे ये सारे आर्टिकल्स हैं जो पंचायती राज से रिलेटेड हैं, तो ये आपको ध्यान रखने हैं, जैसे आर्टिकल 233A इसमें ग्राम सभा के बारे में दिया है, 243B कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत के बारे में दिया है, ठीक है, किस तरीके से पंचायत होगी, क्या ग्राम सभा होगी,
243D इसमें रिजर्वेशन ऑफ सीट्स के बारे में दिया है कि किस तरीके से पंचायतों में सीट रिजर्व होंगी। नेक्स्ट 243 बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें दी गई है पावर अथॉरिटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पंचायत, ठीक है। तो इसमें दी गई है ये सारी चीजें कि क्या पावर है, क्या अथॉरिटी है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी पंचायत की, ठीक है। और अगर आपको इसका देखना है तो आप 11वें शेड्यूल जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, उसका क्या कर सकते हैं, उसकी मदद ले सकते हैं, जहां पे 29 सब्जेक्ट मैटर्स आपको देखने को मिलेंगे और उन्हीं के ऊपर पंचायत यहां पे क्या करेगी, काम करेगी। तो 243G बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। नेक्स्ट उसी तरीके से आपको ध्यान रखना है 243K इलेक्शन टू पंचायत। ध्यान रखिएगा जो आपका इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो पंचायत के इलेक्शन नहीं कराता है, इसके लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन होता है, ठीक है, वो आपके पंचायत के इलेक्शंस को कराता है। कब होते हैं, हर 5 साल में होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें आपको ध्यान रखनी होती है, सारे आर्टिकल। तो अब ये सारे आर्टिकल दिए हैं, तो जैसे इसमें ये सब आर्टिकल आपको नंबर ध्यान रखने की कोई जरूरत नहीं है, मतलब इनके प्रोविजन पता हो क्या है अंदर, बट आर्टिकल नंबर ऐसा कुछ ध्यान रखने की कोई जरूरत होती नहीं है, काम चल जाता है। ये फाइनेंस कमीशन वाला भी ध्यान रखेंगे, 243I जो फाइनेंस कमीशन बनेगा, स्टेट फाइनेंस कमीशन, और वो उसकी रिपोर्ट देगा। बाकी सब कोई ऐसा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, काम चल जाता है, बट हाँ इनके प्रोविजन जो अंदर है वो आपको सब पता होने चाहिए, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से संविधान सभा से ही रिलेटेड ये क्वेश्चन देखते हैं और इसको पढ़ के अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। चलिए, तो यहाँ आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो पहले व्यक्ति थे जिन्हें संविधान सभा ने नियुक्त किया था, ठीक है, संविधान सभा ने जिन्हें नियुक्त किया था। और दूसरा कह रहा है HC मुखर्जी जो थे वो पहले वाइस प्रेसिडेंट थे जिन्हें संविधान सभा ने नियुक्त किया था। तो हमें मालूम है पहले पर्सन ये नहीं थे, कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, क्या नाम है, इलेक्टेड कौन थे, इलेक्टेड पूछ रहे ना, तो इलेक्टेड ये नहीं थे, राजेंद्र प्रसाद इलेक्टेड थे। तो पहला वाला गलत आता है और सेकंड वाला सही आता है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, हमारा बी हो जाएगा। हमने बात की थी पिछले सेशन में भी इसके बारे में, तो इस तरीके से क्वेश्चंस को ध्यान रखना है। नेक्स्ट, इस तरीके से आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं और इस क्वेश्चन को पढ़ के अटेम्प्ट करने का पूरी तरीके से प्रयास करें। चलिए, द प्रीएम्बल वॉज की कह रहा है इंडिपेंडेंस एक्ट जो आया था उसके कारण क्या बदलाव आए थे हमारी संविधान सभा में, इंडिपेंडेंस एक्ट की वजह से संविधान सभा में क्या बदलाव आए थे। तो कह रहा है असेंबली वॉज मेड फुल्ली सोवरेन बॉडी, पूरी तरीके से संप्रभुत्व संस्था बना दिया गया था इसको, सभा बन गई थी, एक्ट एम्पावर्ड बाय असेंबली, ठीक है, तो ये कर सकती थी, ब्रिटिश लॉस को हटा सकती थी, ठीक है, पहली पार्लियामेंट बनी डोमिनियन ऑफ इंडिया की, बहुत अच्छी बात है। और चौथा ऑप्शन कह रहा है जब भी असेंबली एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलती थी तो इसके हेड होते थे GV मावलांकर, और जब ये लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पर मिलती थी तो इसके हेड होते थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है, 1, 2, 3, 1, 2, 1, 3 या 1, 4। चलिए पढ़ें आराम से और अटेम्प्ट करने का प्रयास करें। तो अगर हम देखें यहाँ पे इन क्वेश्चंस को, तो हमें फोर्थ स्टेटमेंट पे अगर हम फोकस करते हैं, चलिए पहले, तो असेंबली जब एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी मिलती थी तो GV मावलांकर इसके हेड होते थे, जी नहीं, हेड राजेंद्र प्रसाद थे, उन्हें चुना गया था तो वही रहेंगे, और जब लेजिस्लेटिव बॉडी की तरह मिलती थी तो हेड डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद होते थे। दोनों चीजों को बदल दिया गया है, तो ये गलत स्टेटमेंट है, पहली चीज तो ये। तो हम देखते हैं जो आपका इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट जो था हमारा, उसने क्या किया था, संविधान सभा में बदलाव कर दिया था, इसको दो काम सौंप दिए, और उन दो कामों को सौंपने के कारण, मतलब एक काम सौंप दिया ऑर्डिनरी लॉ बनाने का, कानून बनाने का, और दूसरा काम तो था ही इसके पास कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान बनाने का। तो जब ये ऑर्डिनरी लॉ बनाती थी तो ये एक लेजिस्लेटिव बॉडी के तौर पे मिलती थी, ये बैठक होती थी, और जब ये संविधान सभा की तरह संविधान बनाने के लिए मिलती थी तो एज ये कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी के तौर पर मिलती थी, संविधानिक सभा के तौर पर मिलती थी। तो लेजिस्लेटिव बॉडी के जो अध्यक्ष थे वो यहाँ पे कौन थे, जीवी मावलांकर, ठीक है, और यहाँ पे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो आपके किसके थे, आपके हेड थे किसके, संविधान सभा के, ठीक है, संवैधानिक बॉडी के। तो यहाँ पे बाकी सारे स्टेटमेंट सब सही हैं, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका ए सही है, ठीक है।
चौथा गलत है, बाकी सारे के सारे यहाँ पे सही है। तो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब। नेक्स्ट आते हैं आरएएस प्री 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इनमें से कौन सा नेम जो है हमारे देश का नाम क्या है, भारत इंडिया, केवल भारत, हिंदुस्तान इंडिया या भारत हिंदुस्तान इंडिया। चलिए तो क्या है हमारे देश का नाम, हमारे देश का नाम क्या है, भारत इंडिया। तो कहाँ पे हमें देखने को मिलता है, तो सबसे पहले प्रीएम्बल को अगर आप देखते हैं, ठीक है, तो प्रीएम्बल हम प्रस्तावना को ही अगर देखें तो उसकी स्टार्ट कैसे होती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, इंग्लिश में इंडिया लिखा होता है, जब हिंदी वाली पढ़ते हैं हम भारत के लोग, तो भारत लिखा होता है, ठीक है। फिर आर्टिकल वन भी अगर आप देखते हैं तो आर्टिकल वन भी देखें, ज़्यादा अंदर डेप्थ में भी ना जाएं, तो भी आपको मिल जाएगा इंडिया साफ तौर पे कहता है इंडिया दैट इज भारत, इंडिया दैट इज भारत शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट क्या होगा, राज्यों का एक संघ होगा, यूनियन ऑफ स्टेट होगा। तो यहाँ पे साफ तौर पे ये बात आर्टिकल वन भी कहता है। तो अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या निकल के आता है हमारे सामने, हमारे सामने निकल के आता है ये बात कि प्रीएम्बल जो है उसमें इंडिया और भारत नाम दिया गया है और आर्टिकल वन भी इंडिया और भारत नाम बताता है, और कोई ये जो नाम है हमारे ये सब नाम नहीं है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, भारत और इंडिया यहाँ पे सही जवाब होगा। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछ रहा है, वन अमंगस्ट द फॉलोइंग वॉज नॉट अ सेलियंट फीचर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ने से पहले, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हम एक टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम होता है हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पढ़ते हैं। और उसमें हम यहाँ पे दो तरीके से पढ़ते हैं, एक होता है हमारा क्या, कंपनी रूल, ठीक है, कंपनी रूल जब कंपनी का शासन भारत पे था, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग क्राउन रूल, ठीक है, क्राउन रूल। और बीच में किस तारीख से, किस साल से बदलता है, 1857 से। तो कंपनी रूल और क्राउन रूल जो हम पढ़ते हैं, जिसे बनाए गए थे इन रूलों को भारत में सही तरीके से शासन करने के लिए कंपनी के द्वारा, तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 1935 का जो एक्ट था इसके अंदर कौन से प्रोविजन नहीं थे, ठीक है। तो कह रहा है इट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर ऑल इंडिया फेडरेशन, रेसिडरी सब्जेक्ट वर अलॉटेड टू प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, इट मार्क द बिगनिंग ऑफ प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, इट अबॉलिश्ड टायरकी एट प्रोविंशियल लेवल एंड इंट्रोड्यूस इट एट सेंटर। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, करेक्ट आंसर, ये क्वेश्चन थोड़ा टफ बनाया है इन्होंने, टफ आपका जो गलत स्टेटमेंट है उसे जानने के लिए टफ बनाया है, ठीक है। बाकी सारी स्टेटमेंट आराम से बड़े अच्छे से पता है सबको, कैसे ऑल इंडिया फेडरेशन की बात की थी, भले आया चाहे नहीं आया बट की थी, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी की बात हो गई थी, क्यों, क्योंकि डायार्की जो थी, जो द्वैध शासन व्यवस्था थी, उसे यहाँ पे प्रांतों में खत्म कर दिया गया था और सेंटर गवर्नमेंट में उसे लागू किया गया था, तो यहाँ पे प्रोविंशियल ऑटोनॉमी यहाँ पे दे दी गई थी। तो ये तीनों स्टेटमेंट गलत हैं, तो हमारे पास ऑप्शन ही केवल बी बचता है, ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी होता है, थोड़ा चीज़ों को अच्छे से और जानना होता है, और असल में इसे प्रोविंशियल लेजिस्लेटर ने, जो आपके गवर्नर थे प्रोविंस के, उन्हें दिया गया था, ठीक है। तो बी यहाँ पे हो जाएगा सही जवाब हमारा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो उससे पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ पे 1935 का जो एक्ट था इसके अंदर प्रोविजन क्या थे। तो इस तरीके से सारे आपको प्रोविजन तैयार करने हैं, इसमें ऑल इंडिया फेडरेशन संघ की बात की, सारी सूचियों को तीन सूची में बांटा गया, फेडरल लिस्ट, प्रोविंशियल लिस्ट, कॉन्करेंटली जैसे आज होती है। रेसिडरी सब्जेक्ट वायसराय के पास थे, किसके पास थे, वायसराय के पास थे, और यहीं पे यहाँ पे वो बात कर रहा है, रेसिडरी सब्जेक्ट प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के पास थे नहीं, वो थे वायसराय के पास। तो जैसे वायसराय के पास थे वैसे आज के टाइम में संसद के पास है। डायरकी को इसने प्रोविंस से खत्म करके प्रोविंशियल ऑटोनॉमी ले आया, और इसने क्या किया, सेंटर में डायरकी ले आया, 11 प्रोविंस में 11 में से 6 प्रोविंस में बायकैमरलिज्म ले आया, द्विसदनीय व्यवस्था ले आया, एससी और वुमेन और लेबर और वर्कर्स के लिए भी ये क्या लेके आया, कम्युनल रिप्रेजेंटेशन लेके आया, ठीक है। काउंसिल ऑफ इंडिया जो बनाई गई थी, ठीक है, उसे यहाँ पे खत्म कर दिया गया, एबॉलिश कर दिया गया। फिर इसने फ्रेंचाइज यानी वोटिंग का अधिकार 10% लोगों को और बढ़ा दिया, ठीक है, 10 बढ़ाया और 10% तक हो गया। आरबीआई के फॉर्मेशन की बात की इसने,
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की बात की, प्रोविंशियल पब्लिक सर्विस कमीशन की भी और ज्वाइंट पब्लिक सर्विस कमीशन बनाने की भी बात की, तो ये सारी बातें भी इसमें हुई, ठीक है। और इसने एक फेडरल कोड बनाने की बात की जो आपका आगे चल के 1937 में यहाँ पे सामने आया। तो ये सारी चीजें थी हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से रिलेटेड। इसी तरीके से आपको जितने भी एक्ट हैं, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से लेके यहाँ पे इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक जितने भी एक्ट हैं, इन्हें बहुत अच्छे से करना होता है। और अपने आगे के सेशंस में हम इसी तरीके से इन चीजों को समझते चलेंगे कि हमें कैसे चीजों को तैयार करना है, किस तरीके से चीजों को पढ़ना है, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिएगा यहाँ पे ऑली बोर्ड के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलें, ठीक है। सो थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।